तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त दिलीप। आप देख रहे हैं अपना चैनल दिलीप। तो फ्रेंड्स, रुको रुको रुको, आपने जैसे कि मेरा पढ़ लिया होगा कि क्या है। तो जैसे कि कई लोगों की दिवाली आती है, कोई फेस्टिवल आता है, तो ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग वाले लोग अच्छे अच्छे ऑफर निकालते हैं, अच्छे अच्छे ऑफर निकालते हैं। 80% छूट, 90% छूट, 95% छूट, 99% छूट। तो फ्रेंड्स, क्या आप सोच सकते हैं कि 99% कोई छूट दे सकता है? नहीं नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे ऑफर की कुछ सच्चाई के बारे में, कि इन ऑफरों का मतलब असली क्या होता है जी, अंदर से कैसे किस तरह से ऑफर आपको दिए जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरे क्वेश्चन, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो मिलते फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबाना तो बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलो बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, जो अभी लेटेस्ट दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए कई सारी कंपनियों अपने अपने ऑफर निकाले हैं, किसी ने फेस्टिवल, किसी ने कुछ कुछ अपने अलग अलग नाम से ऑफर निकाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी चेक किया, करंट में कुछ ऑफर चल रहे हैं, जैसे कि उन्होंने 99% छूट दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आप मानते हैं कि 99% छूट मिल सकती है? फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ 99% छूट कोई नहीं दे सकता। अगर प्रोडक्ट 100 रुपये का है तो आप क्या उसको 1 रुपये में बेच सकते हो? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं। जैसे अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसा कुछ कहती हैं, और इनका मेन रीजन जैसे कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट 99, जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का है तो उसमें 99 रुपये की छूट दे रहे हैं, तो फिर उसकी जो प्राइस कितनी कह देंगे, उसकी प्राइस 99% इनको इनकी मन बढ़ा देंगे 99। अगर प्रोडक्ट इनका 99 100 रुपये का है, ठीक है फ्रेंड, और इसका जी मतलब कि 100 रुपये में दे रहे हैं, और तो उनकी जो रियल मतलब 100 रुपये में दे रहे हैं, अब 100 रुपये में ये 99% बढ़ा देंगे, यानी कि इसकी प्राइस 99 गुना बढ़ा देंगे। फिर उसमें से 99 को इसे कट करके आपको 100 रुपये में देंगे, तो आपको लगेगा कि वाह यार, इतनी सारी कॉस्टली प्याज को कट कर ये सिर्फ हम 99 में प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर वो जेन्युइनली प्रोडक्ट 99 का ही होगा। अब देखिए, मैं आपको फ्रेंड्स एक सलाह देता हूँ। अब जैसे कि कोई भी फेस्टिवल पे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई भी सनग्लासेस परचेज करने जाता हूँ, और उसकी प्राइस मुझे ऑनलाइन पे देखने को मिलती है 150 रुपीज़, यानी 150 रुपये में वो प्रोडक्ट मुझे ऑनलाइन पे मिल रहा है, उस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है मुझको, 80% डिस्काउंट मिल रहा है। अब मैं उसी प्रोडक्ट को लेकर जब गूगल पे अलग अलग जगह पे सर्च करूँगा तो उसकी मुझे रियल प्राइस पता चल जाएगी, जैसे कि मुझे 150 में वो प्रोडक्ट मिल रहा है, और 80% छूट होने के बाद मुझे वो 150 मिल रहा है। अब मैं उसको उसी प्रोडक्ट का सेम नाम गूगल पर सर्च करूँगा और देखूँगा कि वो प्रोडक्ट मुझे कितने में पड़ रहा है अलग अलग साइटों में। तो सभी साइटों पर जाने के बाद भी मुझे प्रोडक्ट 150 किसी पे 150, किसी पे 160, किसी पे 170, किसी पे 140, तो इस तरह के मुझे प्राइस मिलने हैं। किसी पर भी मैं ऑफर से लूँ या ऑफर से ना भी लूँ, तब भी मुझे वो 150 के समथिंग ही पड़ रहा है। और अगर मैं मतलब ऑफर के थ्रू जाता हूँ, मेरे मन में एक अच्छी मतलब शंका है कि अभी फेस्टिवल चल रहा है तो ऑफर में 80% छूट के साथ मुझे 150 का पड़ रहा है, और बिना ऑफर के तो इतने रुपये का है। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है जी, सब मतलब एक मार्केटिंग का रूल है कि आपको मतलब आपके दिमाग पर कंट्रोल करना है, इसको दिमाग मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग में आपके दिमाग को कंट्रोल करना होता है, आपके दिमाग को मतलब कि आपको लगना चाहिए कि बाक मुझे छूट के साथ ही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यही एक मार्केटिंग का रूल है, वही आप लोगों पर लागू कर देते हैं, जिसके थ्रू आप लोग प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, जो कि उसकी रियल प्राइस 150 ही है, बट आपको लगता है कि ये मुझे कॉस्टली है बहुत और मुझे इतना चीप मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप कोई भी मतलब ऑफर के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको जान लीजिए गूगल पर तरह तरह की हर वेबसाइट पर, मतलब गूगल पर जाके, गूगल तो इंडिया का, तो फिर आप गूगल पर जाके उस पर सर्च कीजिए कि इसकी रियल प्राइस क्या है, अलग अलग वेबसाइटों पर जाइए उसको कंपेयर कीजिए कि इसकी रियल प्राइस क्या है, तब जाके आप उसको परचेज कीजिए कि हाँ ये जेन्युइनली आपको मतलब मिल रहा है प्रॉफिटेबल, तब उसको परचेज कीजिए, वरना मुझे लगता है कि सभी लोग ऐसा ही करते हैं। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि कौन सी वेबसाइट ऐसा करती हैं, बट मैंने जितने भी प्रोडक्ट परचेज किए हैं ऑनलाइन पर, मुझे सबके ऐसे ही कैसे लगे, उनकी जो रियल प्राइस होती है वही उसको आपको बड़ा थड़ा के उसको डिस्काउंट करके आपको रियल प्राइस में ही दे दिया जाता है, आपको लगता है कि इस डिस्काउंट करके दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी कोई भी अगर आप ऑनलाइन ऐसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो सबसे पहले उसकी रियल प्राइस जानिए और उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को परचेज कीजिए।
बना उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कीजिए। तो चले ही फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद, बाय।